नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस ने आज अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है, जो कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे होगी। बता दें, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत शीर्ष कांग्रेस नेताओं के भाग लेने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। टीएमबीयू में आज ऑनलाइन माध्यम से सिंडिकेट की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में स्नातक नए सत्र के नामांकन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में नामांकन को शुरू करने को लेकर सहमति बन सकती है। बता दें कि 28 मई को ही सिंडिकेट की बैठक में नामांकन को अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया था। भागलपुर में आज और कल को सांवरिया सेवा ट्रस्ट के द्वारा श्याम महोत्सव का आयोजन देवी बाबू धर्मशाला में होगा। बता दें कि आज यानी 8 जून को संध्या 5 बजे बाबा की भव्य पालकी यात्रा खाटू श्याम मंदिर भवन मंदरोजा से निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण करते हुए बाबा के कीर्तन स्थल देवी पहुंचेंगी। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज से 10 जून तक चंडीगढ़ में होगा। बता दें जिसमें देश भर के 365 से अधिक निजी विद्यालयों के संचालक शिरकत करेंगे। पासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद की अध्यक्षता में होगा। लखनऊ में पंजीकृत ई रिक्शा शहर के 16 अलग अलग जोन में चलेंगे। बता दें कि इसके लिए आज लॉटरी निकाली जाएगी। पूर्व में ई रिक्शा मालिकों की ओर से भरे गए सत्यापन फॉर्म के आधार पर रिजर्व पुलिस लाइंस में लॉटरी निकालकर ई रिक्शा रूट आवंटित होंगे। 20,000 से ज्यादा सत्यापन फॉर्म पर 16 जोन में संचालन के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध पात्रता परीक्षा 2023 और सत्र 2024 के स्नातक व परास्नातक में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि आज यानी 8 जून है। बता दें कि जो विद्यार्थी पंजीकरण कर लेंगे वे 10 जून तक अपना फॉर्म पूरित कर सकते हैं। डीडीयू में प्रवेश के लिए अभी तक करीब 56,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। आज सुबह 6 बजे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन नए टर्मिनल से किया जाएगा। बता दें कि थाई एयर एशिया, इंडिको, एयर इंडिया एक्सप्रेस, सऊदीया एयरलाइंस, ओमान एयर, फ्लाइनास, सलाम एयर और फ्लाई दुबई नए टर्मिनल से अपना संचालन शुरू करेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जिले भर में कोटे की दुकान से खाद्यान्न का वितरण आज से 25 जून तक किया जाएगा। बता दें कि जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी अमित त्रिपाठी ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम बाजरा व उसके बाद 14 किलोग्राम गेहूं व 21 किलोग्राम चावल वितरित किया जाएगा। आज तेनूघाट व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि बेरमो अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति की सचिव सह SDJM रश्मि अग्रवाल ने बताया कि बीमा मामले सहित न्यायालय में अन्य लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा, इसलिए राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ लेने का काम करेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। अनुमान है कि आज बड़ौद, बागपत, मोदीनगर, पिलखुआ, हापुड़, गुलौती, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, शिकारपुर, खुर्जा, पहासू और अन्य कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। आज ही के दिन सन 1658 में औरंगजेब ने आगरे के किले पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1968 में कर्नाटक संगीत के गायक मदुराई मणि अय्यर का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1996 में भारतीय एथलीट MP जबीर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2009 में मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।